लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज 29 इंडिया की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर में नेहरू स्टेडियम में सीएम कमलनाथ ने झंडा वंदन कर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कई सरकारी विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। सीएम कमलनाथ और कलेक्टर लोकेश जाटव ने गोताखोर पलक शर्मा और श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल की कक्षा 7वीं की छात्रा पलक शर्मा का सम्मान किया। इस दौरान पलक शर्मा ने सीएम कमलनाथ को ज्ञापन भी मंच पर सौंपा, जिसमें डाइविंग बोर्ड नए लगवाने का जिक्र किया है, जिसमें सीएम ने छात्रा को बोर्ड लगवाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि पलक शर्मा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को 2 रजत पदक और साथ ही 1 स्वर्ण पदक जीता। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर आईजी कार्यालय पर भी संभाग के आईजी विवेक शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर आईजी कार्यालय के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे, जहां आईजी विवेक शर्मा ने अपने सभी विभाग के स्टाफ से मिलकर गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। पुलिस कंट्रोल रूम डीआईजी ऑफिस पर भी झंडा वंदन किया गया। यहां झंडा वंदन एसपी सूरज वर्मा ने किया। इस मौके पर पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। एसपी ने गणतंत्र दिवस की सभी नगरवासी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।